गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के विषय में। साथ ही नए चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताएँ। दोस्तों आइए अपने मूल्य समय को बचाते हैं, बढ़ते अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। ए नंबर में है वृद्धावस्था पेंशन को, बी नंबर शेयर बिक्री से प्राप्त आय को, सी नंबर स्मगलिंग से प्राप्त आय को और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है डी नंबर, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है किससे। ए नंबर कीमत स्तर से, बी नंबर रोजगार से, डी नंबर राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से, डी नंबर इनमें सभी। सही आंसर सी नंबर, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए। ए नंबर बहुल गणना, बी नंबर एकल गणना, सी नंबर दोहरी गणना, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर सी नंबर, दोहरी गणना। अगला प्रश्न है, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भूत हुआ है। ए नंबर अरबी, बी नंबर जर्मन, सी नंबर ग्रीक और डी नंबर अंग्रेजी। सही आंसर सी नंबर, ग्रीक से। अगला प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। ए नंबर शून्य होती है, बी नंबर ऋणात्मक होती है, सी नंबर धनात्मक होती है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए नंबर, शून्य होती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है। ए नंबर एमपी बराबर टीपी माइनस टीपी के रूप में भी और बी नंबर एमपी बराबर त्रिभुजा टीपी बटे त्रिभुजा एल के रूप में और सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर। अगला प्रश्न है, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन होती है यह किसका कथन है। ए नंबर जे एस मिल, बी नंबर जे एम केन्स, सी नंबर जे के मेहता और डी नंबर जे बी से। आंसर है दोस्तों डी नंबर, जे बी से। अगला प्रश्न है, मांग का नियम व्यक्त करता है। ए नंबर वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, बी नंबर दो वस्तुओं की कीमत में संबंध को, सी नंबर उपभोक्ता की आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर, वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होती है। ए नंबर राजस्व व्यय, बी नंबर पूंजीगत व्यय, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर, ए और एवं बी दोनों, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा बैंक शाख सृजन करता है। ए नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर व्यावसायिक बैंक, सी नंबर IDBI और डी नंबर नाबार्ड। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ए नंबर किन्स, बी नंबर परो हॉर्टे, सी नंबर जेबी से और डी नंबर क्राउथर। सही आंसर दोस्तों बी नंबर, परो हॉन्ट्रे। अगला प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ए नंबर रॉबिन्स, बी नंबर मार्शल, सी नंबर जी के मेहता, डी नंबर एडम स्मिथ। सही आंसर दोस्तों डी नंबर, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है। ए नंबर आयकर, बी नंबर निगम कर, सी नंबर सीमा शुल्क, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर, निगम कर। अगला प्रश्न है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या है। ए नंबर बढ़ता है, बी नंबर स्थिर रहता है, सी नंबर घटता है, डी नंबर घटता बढ़ता रहता है। सही आंसर ए नंबर, बढ़ता है। अगला सवाल है, क्या सत्य है, GNP बराबर HDP प्लस घिसावट, बी नंबर GNP बराबर NNP प्लस घिसावट, सी नंबर NNP बराबर GNP माइनस घिसावट,
और डी नंबर NNP बराबर GNP प्लस घिसावट घिसावट सही आंसर दोस्तों सी नंबर NNP बराबर GNP माइनस घिसावट। अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं, ए नंबर गोसेन, बी नंबर एडम स्मिथ, सी नंबर चैपमैन, डी नंबर हिक्स। सही आंसर है ए नंबर गोसेन। प्रयोग करने वाले कौन है, ए नंबर में मार्शल, बी नंबर बोल्डिंग, सी नंबर केंस, डी नंबर रेगनर फ्रिस। सही आंसर डी नंबर रेगनर फ्रिस। अगला सवाल है गुणक को व्यक्त करने का सूत्र है, कौन सा सूत्र है, ए नंबर के बराबर त्रिभुज एस बाई त्रिभुज वन, बी के बराबर त्रिभुज वाई बाई त्रिभुज वन, सी नंबर के बराबर वन माइनस एस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर के बराबर त्रिभुज एस बाई त्रिभुज वन। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ए नंबर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, ए नंबर मार्शल, बी नंबर फ्लक्स, सी नंबर हिक्स, डी नंबर रॉबिन्स। सही आंसर है डी नंबर रॉबिन्स। अगला प्रश्न है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है, ए नंबर वस्तु की कीमत, बी नंबर स्थानापन वस्तु की कीमत, सी नंबर उत्पादन के साधनों की कीमत और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है औसत क्या है, औसत आय है कौन सा है, ए नंबर TR बाई क्यू, बी नंबर त्रिभुज क्यू बाई पी, सी नंबर त्रिभुज TR बाई त्रिभुज क्यू, डी नंबर AR बाई क्यू। सही आंसर है बी नंबर त्रिभुज क्यू बाई पी। अगला प्रश्न है अवसर लागत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ए नंबर भाड़ा लागत, बी नंबर आंतरिक लागत, सी नंबर हस्तांतरण और डी नंबर मौद्रिक लागत। सही आंसर है बी नंबर आंतरिक लागत। अगला प्रश्न है किसने कहा मुद्रा वह है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर काटता है, ए नंबर एडम स्मिथ, बी नंबर पिगू, सी नंबर मिल, डी नंबर मार्शल। सही आंसर है डी नंबर मार्शल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आर्थिक वस्तु है, ए नंबर टेलीविजन, बी नंबर हवा, सी नंबर सूर्य की रोशनी, डी नंबर नदी का पानी। सही आंसर ए नंबर टेलीविजन। अगला प्रश्न है माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा निम्न में कौन सा शब्द है, ए नंबर अरबी, बी नंबर ग्रीक, सी नंबर जर्मन, डी नंबर अंग्रेजी। सही आंसर डी नंबर अंग्रेजी। अगला प्रश्न है उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ए नंबर मार्शल, बी नंबर डूपोंट, सी नंबर हिक्स, डी नंबर सैमुएलसन। सही आंसर डी नंबर सैमुएलसन। अगला प्रश्न है आय की चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है, ए नंबर सी प्लस वन प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम ब्रैकेट, बी नंबर सी प्लस वन प्लस जी और सी नंबर सी प्लस वन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी नंबर सी प्लस वन। अगला प्रश्न है किस बाजार में AR चक्र जेड माइनस अक्ष के समांतर होता है, ए नंबर एकाधिकार, बी नंबर पूर्ण प्रतियोगिता, सी नंबर एकाधिकार, डी नंबर सभी में। सही आंसर बी नंबर पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है औसत आय है क्या है, औसत आय क्या है, ए नंबर TR बाई क्यू, बी नंबर त्रिभुज क्यू बाई पी, सी नंबर त्रिभुज TR बाई त्रिभुज क्यू और डी नंबर AR बाई क्यू। सही आंसर बी नंबर त्रिभुज क्यू बाई पी। अगला प्रश्न है सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं, ए नंबर गोसेन का दूसरा नियम, बी नंबर प्रतिस्थापन का नियम और सी नंबर उपयोगिता ह्रास का नियम, डी नंबर ए और बी दोनों। सही आंसर ए नंबर गोसेन का दूसरा नियम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, अवसर लागत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए नंबर बाह्य लागत, बी नंबर आंतरिक लागत, सी नंबर हस्तांतरण और डी नंबर मौद्रिक लागत। सही आंसर है सी नंबर हस्तांतरण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सही है? ए नंबर जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस घिसावट, बी नंबर एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस घिसावट और सी नंबर एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, डी नंबर जीएनपी बराबर एनएनपी माइनस घिसावट। सही आंसर सी नंबर एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए? ए नंबर बहुल गणना, बी नंबर एकल गणना, सी नंबर दोहरी गणना, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर सी नंबर दोहरी गणना। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ए नंबर कौनस, बी नंबर प्रो हेनरी, सी नंबर जेवी से, डी नंबर क्राउथर। सही आंसर है बी नंबर प्रो हेनरी। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का लाभ उस उत्पादन स्तर पर अधिकतम होता है जिस पर मैंने ए नंबर में एम आर बराबर एम सी तथा एम सी बढ़ रही हो, बी नंबर एम आर माइनस एम सी तथा एम सी घट रही हो और सी नंबर एम आर या एम सी तथा एम सी बढ़ रही हो, डी नंबर एम आर एम सी तथा एम सी बढ़ रही हो। सही आंसर ए नंबर एम आर बराबर एम सी तथा एम सी बढ़ रही हो। अगला प्रश्न है, सामान्य सरकार उच्चतम कीमत का निर्धारण करती है? ए नंबर सामग्री कीमत के बराबर और नंबर सामग्री कीमत से कम और सी नंबर सामान्य कीमत से अधिक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी नंबर सामग्री कीमत से कम। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई उत्पाद आगम को डैश क्या कहते हैं? डैश में क्या होगा? ए नंबर सीमांत आगम, बी नंबर औसत आगम, सी नंबर पूर्ण आगम, डी नंबर अपूर्ण आगम। सही आंसर बी नंबर औसत आगम। अगला प्रश्न है, उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोजनों से उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम मात्रा को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ए नंबर उत्पादन फलन, बी नंबर मांग फलन, सी नंबर पूर्ति फलन, डी नंबर आगम फलन। सही आंसर है ए नंबर उत्पादन फलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? ए नंबर सीमा शुल्क, बी नंबर बिक्री कर, सी नंबर उत्पाद शुल्क, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न है, रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नंबर केन्स, बी नंबर मार्शल, सी नंबर हिक्स, डी नंबर पिगो। सही आंसर ए नंबर केन्स। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी कब थी? ए नंबर 1939 से 1942, बी नंबर 1947 से 1950, सी नंबर 1957 से 1960, डी नंबर 1929 से 1932। सही आंसर है डी नंबर 1929 से 1932 तक। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है? ए नंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में एक रुपये का नोट जारी करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, बी नंबर वित्त मंत्रालय, सी नंबर भारतीय स्टेट बैंक, डी नंबर भारत का रेल मंत्रालय। सही आंसर बी नंबर वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वाई बराबर ए प्लस सी वाई समीकरण का हल क्या है? ए नंबर ए बराबर वाई ब्रैकेट 1 माइनस सी ब्रैकेट, बी नंबर ए बराबर वाई माइनस ए बाई वाई, सी नंबर वाई बराबर ए बाई 1 माइनस सी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी नंबर वाई बराबर ए बाई 1 माइनस सी। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना ने यूरोप बोर्ड पद्धति को कब अपनाया? ए नंबर 1991 में, बी नंबर 1981 में, सी नंबर 1996 में, डी नंबर 1961 में। सही आंसर है ए नंबर 1991 में। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी कब? कौन किसने लिखी थी? बीसी महान नोकी नोइस, बी नंबर डी आर गार्डगिल, सी नंबर वीके आर वी राव और डी नंबर अंबेडकर। सही आंसर सी नंबर वीके आर वी राव। निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? नंबर में एस बराबर
एफ ब्रैकेट वन बाई पी, बी बी में है एस बराबर एफ ब्रैकेट क्यू, सी में है एस बराबर एफ ब्रैकेट पी, और डी में इनमें से सभी। सही आंसर है सी नंबर, एस बराबर एफ ब्रैकेट पी। अगला प्रश्न है, केंद्र के बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होगा। ए नंबर में है एस वन, बी नंबर एस वन एस, सी नंबर एस बराबर वन, और डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। ए नंबर उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और सी नंबर उत्पादन वस्तुओं की वस्तुओं को कैसे वितरित किया जाए, डी नंबर उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ए नंबर समाजवादी, बी नंबर पूंजीवादी, सी नंबर मिश्रित, डी नंबर ये सभी। सही आंसर है सी नंबर, मिश्रित। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ए नंबर व्यक्तिगत परिवार, बी नंबर व्यक्तिगत फर्म, सी नंबर व्यक्तिगत उद्योग, डी नंबर ये सभी। सही आंसर है डी नंबर, ये सभी। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ए नंबर मार्शल, बी नंबर माल्थस, सी नंबर पीगू, डी नंबर हिक्स। सही आंसर है सी नंबर, पीगू। अगला प्रश्न है, मांग की लोच का मान होता है, क्या होता है। ए नंबर धनात्मक, सी नंबर ऋणात्मक, डी नंबर शून्य, सी नंबर शून्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं। ए नंबर उत्पादकता, बी नंबर संतुष्टि, सी नंबर उपयोगिता, डी नंबर लाभदायकता। सही आंसर है सी नंबर, उपयोगिता। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहा जाता है उन वस्तुओं को। ए नंबर पूरक वस्तुएं, बी नंबर स्थापन वस्तुएं, सी नंबर आरामदायक वस्तुएं, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए नंबर, पूरक वस्तुएं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण क्या हैं। ए नंबर साधनों की सीमितता, बी नंबर साधनों की अपूर्ण स्थापन, सी नंबर और बहुत दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर, ए और बी दोनों, साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थापन। अगला प्रश्न है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। ए नंबर आर्थिक लागत, बी नंबर साम्य कीमत, सी नंबर सीमांत लागत, डी नंबर औसत लागत। सही आंसर है बी नंबर, साम्य कीमत। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी क्या होगी। ए नंबर अत्यधिक लाजदार, बी नंबर लोजदार, और सी नंबर बेलोजदार, और डी नंबर पूर्णत बेलोजदार। सही आंसर है सी नंबर, बेलोजदार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है। ए नंबर ऋण पर ब्याज, सी नंबर कच्चे माल की लागत, सी नंबर फैक्ट्री का किराया, बी नंबर बीमा की किस्त। सही आंसर है डी नंबर, बीमा की किस्त। अगला प्रश्न है, समिष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। ए नंबर अर्थव्यवस्था के यौगिक चरों जैसे राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय बचत का, और बी नंबर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि का, सी नंबर संपूर्ण समाज में उत्पादन एवं आय के वितरण का, डी नंबर इनमें से सभी विषयों का। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, इनमें से सभी विषयों का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक किसके द्वारा शाख पर नियंत्रण रखता है। ए नंबर में है बैंक दर, बी नंबर खुले बाजार की प्रक्रिया, सी नंबर नकद कोष अनुपात, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या कहलाता है। ए नंबर बाईं ओर खिसक जाता है, सी नंबर दाईं ओर खिसक जाता है, सी नंबर अपने स्थान पर स्थिर रहता है, डी नंबर पहले बाईं फिर दाईं ओर खिसक जाता है। सही आंसर डी नंबर, पहले बाईं फिर दाईं ओर खिसक जाता है। अगला प्रश्न है, एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ है कि क्या अर्थ है। ए नंबर वस्तु आवश्यक आवश्यकता के, बी नंबर वस्तु आवश्यकता है, और सी नंबर वस्तु आरामदायक वस्तु है, और डी नंबर वस्तु विलासिता
वस्तु है, सेंस है ए नंबर, वस्तु आवश्यक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या रेखाएं हैं? ए नंबर मूल उपयोगिता बराबर मूल, बी नंबर सीमांत उपयोगिता बराबर मूल, सी नंबर औसत उपयोगिता बराबर मूल, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, सेंस डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, क्या नहीं है? ए नंबर क्या उत्पादन हो, बी नंबर विदेश व्यापार कैसे बढ़े, सी नंबर किस विधि से उत्पादन हो, डी नंबर किस लिए उत्पादन हो, सेंस डी नंबर किस लिए उत्पादन हो। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं? ए नंबर घोषण का दूसरा नियम, बी नंबर प्रतिस्थापन का नियम, सी नंबर उपभोक्ता ह्रास का नियम, डी नंबर ए और बी दोनों, सही आंसर है दोस्तों ए नंबर घोषण का दूसरा नियम। फाइव हो तो वस्तु की मांग क्या होगी? ए नंबर लोजदार, बी नंबर उन्नत लोजदार, सी नंबर संक्षेपिक बेलोजदार, और डी नंबर उन्नत बेलोजदार, सही आंसर है बी नंबर उन्नत लोजदार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? ए नंबर प्रतिशत विधि, बी नंबर आय प्रणाली, सी नंबर कुल व्यय प्रणाली, और डी नंबर बिंदु हिंदी, तो सही आंसर है दोस्तों डी नंबर बिंदु विधि। अगला प्रश्न है, केंद्र से निकली सीधी उन्नत रेखा की लोच ई में क्या होगा? ए नंबर इकाई से कम ई बराबर एक होती है, बी नंबर इकाई से अधिक ई ब्रैकेट वन होती है, सी नंबर इकाई से बराबर ब्रैकेट ई बराबर वन होती है, और डी नंबर अनंत के बराबर ई बराबर एक्स होती है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका, सही आंसर है सी नंबर इकाई से बराबर ई बराबर ब्रैकेट वन होती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त क्या है? ए नंबर औसत बराबर आय, औसत आय बराबर औसत लागत, बी नंबर सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, सी नंबर सीमांत लागत वक्र की ढाल, सीमांत आय वक्र को की ढाल, और डी नंबर बी तथा सी दोनों, सही आंसर है दोस्तों ए नंबर औसत आय बराबर औसत लागत। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? ए नंबर मार्जिन आवश्यकता, बी नंबर नैतिक दबाव, सी नंबर उपभोक्ता शाख पर नियंत्रण, और डी नंबर बैंकों के नकद कोष के अनुपात। तो सही आंसर है दोस्तों इसका सी नंबर उपभोक्ता शाख पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? ए नंबर में है मुद्रा नोट का निर्गमन, बी नंबर अंतिम आश्रयदाता, सी नंबर आर्थिक आंकड़े एकत्र करना, डी नंबर वित्तीय नीति का नियंत्रण। सही आंसर है दोस्तों इसका डी नंबर वित्तीय नीति का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए नंबर है मूल्य स्थिरता, बी नंबर आर्थिक विकास को बढ़ावा, सी नंबर आर्थिक स्थिरता, डी नंबर इनमें से सभी, सही आंसर है दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, केंद्र का अर्थशास्त्र क्या है? ए नंबर न्यू मांग का अर्थशास्त्र है, बी नंबर मांग अधिक का अर्थशास्त्र है, डी नंबर पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है, डी नंबर आंशिक मांग का अर्थशास्त्र है, सही आंसर है दोस्तों सी नंबर पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है? ए नंबर वस्तु की प्रकृति, बी नंबर वस्तु का विविध उपयोग, सी नंबर समय तत्व, डी नंबर इनमें से सभी, सही आंसर है दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पूंजी खाते में निम्न में से कौन मद है? ए नंबर में सरकारी विदेशी ऋण, बी नंबर निजी विदेशी ऋण, सी नंबर विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, और डी नंबर इनमें से सभी, सही आंसर है दोस्तों इसका सी नंबर विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। अगला प्रश्न है, नरसिंहम समिति की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर कर सुधार के लिए, बी नंबर बैंकिंग सुधार के लिए, सी नंबर कृषि सुधार के लिए, और डी नंबर आधारभूत संरचना के लिए, सही आंसर है दोस्तों बी नंबर बैंकिंग सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, विदेशी विनियम की मांग के प्रमुख स्रोत क्या है? ए नंबर विदेशी
वस्तुओं का आयात, बी नंबर विदेश में निवेश, सी नंबर पर्यटन, डी नंबर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सरकारी व्यय जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है। एन नंबर राजस्व व्यय, बी नंबर पूंजीगत व्यय, सी नंबर नियोजित व्यय और डी नंबर बजट व्यय। तो सही आंसर है दोस्तों इसका डी नंबर बचत व्यय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। एन नंबर आयकर, बी नंबर निगम कर, सी नंबर उत्पादन कर, डी नंबर ए और बी दोनों। सही आंसर है दोस्तों इसका बी नंबर निगम कर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। ए नंबर में है आयकर, बी नंबर सीमा शुल्क, डी नंबर निगम कर, सी नंबर निगम कर, डी नंबर उत्पादन शुल्क। सही आंसर है बी नंबर सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है। ए नंबर रोजगार स्तर में कमी, बी नंबर औसत मूल्य स्तर में कमी, सी नंबर उत्पादन में गिरावट और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों इसका डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है वैश्विक अर्थशास्त्र अध्ययन क्या है। ए नंबर राष्ट्रीय आय का, बी नंबर राष्ट्रीय उत्पादन का, सी नंबर एक विशिष्ट फर्म का, डी नंबर इनमें से सभी। इसको सही आंसर है दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ए नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी नंबर समाजवादी अर्थव्यवस्था और सी नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों इसका सी नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है किससे। ए नंबर सैम्यूलसन से, बी नंबर मार्शल से, सी नंबर हिक्स से, डी नंबर रॉबिन से। इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर सैम्यूलसन से। इसका अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों निम्नांकित में से कौन आर्थिक वस्तु है। ए नंबर टेलीविजन, बी नंबर हवा, सी नंबर सूर्य की रोशनी, डी नंबर नदी का पानी। सही आंसर दोस्तों इसका ए नंबर टेलीविजन। तो यह था दोस्तों एंट्रेंस 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के कुछ VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रहिए, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।